प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं आज की सुबह अपने प्रोग्राम DSD में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बरकत देता हूँ और आज का संडे आप सबके लिए बहुत ही ब्लेस्ड हो। आप सब देख रहे होंगे कि मेरे टी शर्ट पर लिखा है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। सचमुच हम विश्वास के साथ चलने वाले लोग हैं। अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। जब आप ईमान के साथ चलते हैं तो आप बरकत पाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बहुत विश्वास है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं तो विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है, शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने विश्वास को कायदे में लेके आए। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये करेगा, तो विश्वास ये नहीं कि वो शक में बदल जाए, हाँ पता नहीं होगा या नहीं होगा। विश्वास है कि हाँ, अगर हमने वचन में पढ़ा है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है तो वो करेगा। मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। एक बार एक प्रभु के दास, एक पास्टर चर्च में प्रचार किया करते थे। वो बड़े बड़े हॉर्न्स में, बड़े बड़े स्पीकर्स में प्रचार किया करते थे कि अगर आप विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ आप जो भी कहेंगे आपके लिए हो जाएगा। वो प्रचार करते थे कि यदि आप विश्वास करते हैं तो आप तो भवसागर भी पार कर जाएंगे, यदि आप विश्वास करते हैं आप तो समंदर भी पार कर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। जब वो प्रचार करते हैं, वो एवरीडे इस चीज़ पे प्रचार करते हैं, विश्वास करो विश्वास करो, तो एक बहन थी, वो हर रोज़ उस रास्ते से गुजरती थी जहाँ से पास्टर प्रचार किया करते थे। और वो जो बहन थी, उसका एक काम था, वो अपने पति को खेतों में खाना देके आया करती थी, और वो रोज़ प्रचार सुनती थी, वो रोज़ उन वचनों को सुनती थी और अपने दिल में सोचती थी, प्रभु के दास रोज़ कहते हैं कि यदि आप विश्वास करेंगे आप भवसागर क्रॉस कर जाएंगे, यदि आप विश्वास करेंगे आप समंदर को पार कर जाएंगे। तो मेरे सामने तो ये छोटी सी झील है, मैं कितनी दूर अपने हस्बैंड को खाना देने के लिए उस पुल से जाती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ, क्यों ना मैं इस छोटी सी नदी को विश्वास के साथ यीशु का नाम लेके पार कर जाऊँ। दोस्तों, क्या हुआ कि उसने विश्वास किया और यीशु का नाम लेके पानी पर चलना शुरू किया। वो क्या करती है, प्रतिदिन जाती है, यीशु का नाम लेती है, पानी पर चलती है, अपने हस्बैंड को खाना देके आती है, फिर वापस उसी नदी को क्रॉस करके अपने घर आ जाती है। एक दिन क्या हुआ, जो पास्टर प्रचार किया करते थे वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि बहन पानी की ओर बढ़ रही है, वो भागे भागे गए। उन्होंने उस बहन से कहा कि बहन तुम क्या पानी में सुसाइड करने के लिए जा रही हो, बहन तुम डूबने के लिए जा रही हो। उस बहन ने उसको कहा, पादरी साहब, पास्टर जी, आप तो रोज प्रचार करते हैं कि विश्वास के साथ आप भवसागर भी पार कर जाओगे, विश्वास के साथ आप समंदर भी पार कर जाओगे, बस मैंने तो यीशु मसीह का नाम लिया और विश्वास किया, मैं अपने हस्बैंड को खाना देने जाती हूँ और रोज इस नदी को क्रॉस करती हूँ, रोज वापस आती हूँ, चलिए आप भी मेरे साथ आए। पास्टर जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ, मैं तो डूब सकता हूँ, मैं डूब जाऊँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कई बार क्या होता है, जो सुनाने वाले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं वो अपने विश्वास में और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन तो सबके लिए है, यदि मैं सुनाने वाला हूँ वो वचन मेरे लिए भी है, यदि आप सुनने वाले हैं तो वचन आपके लिए भी है। फ़र्क इतना है कि यदि मैं विश्वास करूँगा तो मैं सचमुच में समंदर को पार कर जाऊँगा, आप विश्वास करेंगे तो हम समंदर को पार कर जाएंगे। ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन हमारे संसारिक जीवन में भी एक बहुत बड़ा समंदर है जो हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें, हमारी परेशानियाँ। इसलिए मैं आज के वचन के साथ आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, विश्वास के साथ चलें, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देंगे। God bless you.